दूर से आप चंदा मांगने हमारे इलाके में आ रहे हो, एनजीओ वाले व्यक्ति जाकर वाले जहाँ बोलेंगे वहीं जाएंगे। इससे क्या फायदे है, आवाम को क्या मिलता है इससे, आवाम गरीब आवाम को क्या फायदा है इससे? इदारे वाले देंगे वही होगा जो आपको मालूम होगा ना, इदारे वाले क्या करते हैं गरीब आवाम के लिए। यहाँ से गुलिस्तान जौहर से कितने लोग आके वहाँ इलाज कराते हैं? क्या ये हॉस्पिटल है? क्या एम्बुलेंस क्या मांगने के लिए बना है? एम्बुलेंस क्या चंदा मांगने के लिए बनाया जाता है? एम्बुलेंस किस लिए होता है? जो इदारे वाले भेज रहे हैं उनका। मैं आपसे सवाल करता हूँ, एम्बुलेंस किस लिए होता है? ये तो इदारे वाले बताएं। मेरे भाई आप भी तो इंसान हो, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ आप मुलाजिम है, मैं आपसे बतौर इंसान पूछ रहा हूँ ये एम्बुलेंस होता किस लिए? हम तो खुद से मैं सवाल मैं क्या कर रहा हूँ, एम्बुलेंस किस लिए होता है? इसलिए होता है मरीज उठाने के लिए। तो ये तो चंदा मांग रहे हैं, वो तो इदारे वालों को करें ना, हमको जो भेजेंगे हम तो वही करेंगे। तो इदारे वाले आपको खंजर देंगे, आप जाके आवाम को कत्ल करो, आप कत्ल करें तो सैलरी पे आप लोगों को खंजर घोपेंगे? तो आप तो कह रहे हैं इदारे वाले आपसे जो कराएंगे आप वो करेंगे? मतलब सैलरी पे आप कुछ भी करेंगे? तो आप क्यों कह रहे हो सैलरी नहीं, तो एम्बुलेंस को आप मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? गाड़ी वालों से बात करिए ना, गाड़ी वाले से बात करें। सलाम अलैकुम जनाब, ये एम्बुलेंस किस लिए होता है? एम्बुलेंस चंदे के लिए होता है या मरीजों को उठाने के लिए होता है? उठाने के लिए हो रही है, चंदे के लिए। तो इस पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ चंदा चंदा मांगने के लिए है? नहीं, लेटर में क्यों? जब मरी कभी भी कहीं भी दुनिया में जो है ना, वो एम्बुलेंस चंदे के लिए नहीं होता, ये तो मरी इंसानों की खिदमत के लिए होता है। तो ये मॉडल कॉलोनी से आप आके गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 10 में पैसे, तो लाडकाना शक्कर थिन तक कभी इसमें मरीज ले गए आप? जो मरीज इलाके में पड़ा होगा आएगा कोई हमारे घर का मरीज, ये बीमार पड़ा नहीं, तो जिस तरह आप चंदे के लिए आ रहे हैं उस तरह कभी मरीज के पीछे आए? उसके लिए मरीज के पीछे ऐसे आएंगे जब गाड़ी में नंबर लिखा हो, फोन करेगा कि केजी। तो फोन तो चंदे के लिए भी नहीं किया हमने, चंदे के लिए फोन तो नहीं किया। तो आप करोगे तो गाड़ी आएगी, जब आप नहीं करोगे तो फोन कहां? नहीं, तो आप कह रहे हैं फोन करेंगे तो आएंगे, तो चंदे के लिए भी हमने फोन नहीं किया। छिपा को फोन भी करोगे तो आएगा, पुलिस को फोन करोगे वो आएगी, किसी बंदे को नहीं। छिपा ने कभी एम्बुलेंस में पैसे नहीं मांगे, घर घर जाके गली मोहल्लों में ना छिपा ने मांगे, ना ईदी ने मांगे, ना JDC मांग रहा, दुनिया का कोई भी इदारा जो है ना वो इलाके में एम्बुलेंस लेके चंदा नहीं मांगता। है? तो उसको गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, ये धारा जो अपने सिर्फ यही तुम्हारे से लेके धारा इसी चला रहे, जो नशे में है वो भी इन गाड़ियों से इसके अंदर से चला रहे, इसको तो गवर्नमेंट नहीं दे रही। तो गवर्नमेंट क्यों देगी भाई, जब इदारा बनाया है जिन्होंने इदारा बनाया है तो उनको चाहिए ना कि ये बिल्कुल गलत बात है एम्बुलेंस को चंदे के लिए आप गलत है, आप गाड़ी का नंबर लिखे हुए आप बात कर सकते हो भाई, ये गलत है बात। तो ये भी तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना, आप एक एम्बुलेंस को लेके बिला वजह पेट्रोल जाया कर रहे हैं, 10-10 रुपए के लिए इतना महंगा पेट्रोल है, आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा है? आप तो पेट्रोल जिसका एक एक दो दो रुपए के लिए पूरे ग्राउंड लगा रहे हैं, ये पेट्रोल कौन दे रहा है? मालिक कहाँ दे रहा है? ये तो इसी चंदे से पेट्रोल डलेगा, इसी चंदे से लेकर मालिक ही दे, तो हमारे ही चंदे से पेट्रोल डलेगा और इधर घूमते रहेंगे। जब हम कंपनी पे काम करें तो तनख्वाह लेके अपने घर पे अपनी पैसों से खा रहे हैं, तो कंपनी और हमारे थोड़ी देंगे। ठीक है हम देखते हैं ये इदारा एम्बुलेंस जो है ना, आप क्या कहेंगे भाई लोग, ये एम्बुलेंस किस लिए होता है? ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसा होता है एम्बुलेंस मरीजों के लिए होता है ये? नहीं नहीं, आप स्पीकर लगा के आप गली मोहल्लों में घूमे ना कि कोई मरीज है तो हम ले जाएंगे इलाज मालिजे के लिए, आप ये भी तो काम कर सकते हैं खिदमत खल्क, आप ये भी खिदमत खल्क कर सकते हैं कि गली मोहल्ले में आवाज लगाए कोई बीमार है कोई जरूरतमंद है तो हम उसके लिए हाजिर है आए हुए, लेकिन आप जो है ना 300 रुपए लीटर पेट्रोल है आप वो खर्च करके आप 10-10, 20-20 रुपए के लिए पूरे इलाके में गली मोहल्लों में घुमा रहे हैं, ये कहाँ का इंसानियत है? मैं हैरान हूँ, आप 25 लाख की एम्बुलेंस लेके
दस दस रुपए के लिए पूरा मोहल्ला घुमा रहे हैं, जिसमें 300 का पेट्रोल डाल रहे हैं, आप तनख्वाह भी ले रहे हैं। और ये खिदमत खल्क है, यहाँ इस मुल्क में ये खिदमत खल्क हो रहा है। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।